तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं और आपको बताएंगे कि परीक्षा को लेकर इस समय छात्रों में बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है। पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। क्या पेपर दोस्तों 21 सितंबर से शुरू होगा? जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की सही तारीख क्या होगी? पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। इस समय दोस्तों एक और तारीख निकल कर आ रही, 27, 28 और 29 सितंबर। तो गाइस इस परीक्षा की तारीख को क्यों बदला गया है उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे, मामला क्या है। पहले दोस्तों आपको बता दें, आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करना चाहिए। ऑफिशियल नोटिस दोस्तों कुछ ऐसी होती है जहां पर दोस्तों आप देख रहे होंगे, यहां पर प्रथम सेमेस्टर परीक्षा की तारीख दी गई है 12 तारीख से लेकर 14 सितंबर तक, द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा की तारीख 15 से लेकर 17 तारीख तक, और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा की तारीख दोस्तों जो हमारी है 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक। तो गाइस यहाँ पर परीक्षा की सही तारीख यहाँ पर दी गई है, ठीक है, प्रथम द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर। लेकिन दोस्तों जब बात आती है हमारी चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा को लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों छात्रों में कंफ्यूजन है। आपको दोस्तों बता दें, इससे पहले अभी कुछ दिन पहले हमारी जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी ना, तो दोस्तों उसमें एक बात कही गई थी, उसमें पेपर की जो तारीख रखी गई थी 21, 22 और 23 तारीख। लेकिन दोस्तों उसमें जो सचिव जी से बात हो रही थी, उन्होंने एक बात और कही थी कि जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर को होगी। तो गाइस उस कॉल रिकॉर्डिंग को भी हम गलत नहीं कह सकते, जो वायरल हुई थी वो भी बिल्कुल सही थी। और दोस्तों जो कॉल रिकॉर्डिंग हमारी वायरल हुई थी उसमें 17 अक्टूबर की बात कही गई थी, और देखिए कुछ दिन पहले दोस्तों हमारा जो नोटिस आता है जूनियर एडेड वाला, और देखिए परीक्षा की तारीख को भी 17 कर दिया जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों उस कॉल रिकॉर्डिंग में भैया किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज हमारी एक नई कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है, अब दोस्तों यहाँ पर डाउट आ जाता है कि क्या सच में पेपर हमारा 27 तारीख को चला गया है? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों सोशल मीडिया पर अफवाह फैली हो? देखिए सोशल मीडिया पर अफवाह का दौर जारी है। क्या पीएनपी सचिव जी से इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि उन्होंने पहले परीक्षा की तारीख कुछ और बताएं और बाद में उसको बदल दें? क्या दोस्तों ऐसा पॉसिबल है? देखिए जब बच्चे पढ़ाई पूरी मन से करते हैं उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ने का एक लय बन जाता है कि चलो यार 21 तारीख तक हम हर हालत में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब ये अपडेट निकल कर आ जाती है भैया पेपर 21 से नहीं 27 होगा, तब बच्चों का वो लय टूट जाता है। तो गाइस अगर आप पढ़ाई कर रहे हो चतुर्थ सेमेस्टर की, तो आपको एक बात का जरा ध्यान रखना है, आपके दोस्त जो पढ़ाई होनी चाहिए वो 21 सितंबर के हिसाब से ही आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, कि हर हालत में आप लोग 20 सितंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। अगर हमारा पेपर 27 सितंबर तक जाता है तो उसके बाद दोस्तों क्या है कि आपका रिवीजन बस बचेगा, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन दोस्तों बड़ी खुशखबरी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। और आपको दोस्तों बता दें, आप इस वीडियो को 4 सितंबर या 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर देख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको ढेर सारी बधाई शिक्षक दिवस की, और बहुत ही जल्दी आपका भी सपना साकार होगा शिक्षक भर्ती में, आपको भी बहुत जल्दी एक सीट कंफर्म होगी। जी हाँ दोस्तों, नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत ही जल्दी जारी होने वाला है। अब आपको बता दें भैया, सरकार समझ चुकी है कि अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया तो सरकार दोबारा नहीं बन पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय यूपी में हर एक जिले में डीएलएड और बीएड के छात्र आपको मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है ना कि बहुत ही जब बड़ी संख्या में बच्चे होते हैं तो फिर ये डिसाइड बच्चे करने लग जाते हैं कि आखिर सरकार किसकी आएगी और किसकी जाएगी। तो गाइस डीएलएड छात्रों के एक नोटिस भी आई थी, जरा इस नोटिस को देखेंगे। देखिए आपके मन में सवाल होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग क्या हम इस वीडियो में सुन पाएंगे या नहीं, तो दोस्तों वीडियो के अंत में हम भैया कॉल रिकॉर्डिंग का पूरा सुना देंगे आप लोग, एक बार उसको सुनिएगा कि उसमें क्या बातें हो रही है, नई वाली कॉल रिकॉर्डिंग क्या है, पुरानी वाली क्या है। जी हाँ दोस्तों, पहले परीक्षा की तारीख को 21, 22 और 23 कहा गया, जो नई कॉल रिकॉर्डिंग है उसके हिसाब से पेपर की तारीख हमारी 27 सितंबर, 28 और 29। तो गाइस पहले एक बात का जरा ध्यान रखिएगा भैया, जो हमारी ऑफिशियल नोटिस कुछ ऐसी आएगी। उसके बाद एक और नोटिस हमारी आई थी जहां पर दोस्तों देखिए केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में एक नोटिस थी, लेकिन दोस्तों यहां पर परीक्षा की तारीख को 12 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक रखा गया। जी हाँ दोस्तों, यहां पर भी भैया एक कन्फ्यूजन आता है कि जब यहां परीक्षा की तारीख 23 तारीख तक है, ठीक है, तो फिर 20 तारीख के बाद कौन से बच्चे पेपर देंगे, ये बात भी तो यहां पर है ना, क्योंकि दोस्तों ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये सब ऑफिशियल नोटिस होती है। जब एक बार ये जारी हो जाती है तो इसमें बदलाव बहुत ही मुश्किल होता है करना। जारी नहीं हुई है भैया, बोल दिए फोन पे तो वो बात अलग है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब दोस्तों ये सब नोटिस आती है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। उसके बाद एक और अपडेट जूनियर हाई स्कूल वाली दोस्तों, इसको भी जरा आप देख के बाद में वीडियो में कंफर्म कर लेंगे कि पहले तो भैया सचिव जी ने ऐसा बोला था और वैसा हुआ भी। ऐसा नहीं दोस्त, उन्होंने 17 अक्टूबर की डेट कही थी, 17 तारीख को पेपर अब जूनियर का हो रहा है। यूपी टेट का दोस्त उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया था, लेकिन हाँ शिक्षक भर्ती का दोस्त ये तो कंफर्म हो रहा है कि नई वैकेंसी बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगी। देखिए दोस्त, हम कह रहे थे आपके सामने एक नोटिस आई है
डीएलएड प्रशिक्षण 2015-17-18 एवं 2019 देखिए इसके आगे लिखा प्रमोट। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा वर्ष 2021 के आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में एक नोटिस आई है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनल नंबर कैसे दिए जाएंगे जो भी दोस्तों पूरा मामला है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये दोस्तों जो हमारी नोटिस आई वो इंटरनल नंबर को लेकर है, और ये नोटिस कहाँ से जारी हुई है, ये नोटिस हरदोई, जी हाँ दोस्तों हरदोई डायट से ये नोटिस हो सकता है कि देखने को मिल रही है। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो हम आपके सामने रखें। तो गाइस देखिए, इस समय परीक्षा का दौर लगातार जारी है, और जो इनका इंटरनल नंबर की जो भी बात थी आंतरिक मूल्यांकन दोस्तों, ये देखिए 10 सितंबर तक होगा, और हमारा 12 तारीख से प्रथम सेमेस्टर ठीक है बैक परीक्षा शुरू हो रही है। एक बात और याद रखिएगा कि आपका सवाल फिर से आ रहा था कि जो आपका सेंटर जाएगा दूसरे जिले में, क्या इसमें लड़कियाँ जो लड़कियों का सेंटर होगा क्या उनका भी सेंटर दूसरे जिले में जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिल्कुल यस। तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों को भैया दूसरे जिले में भेजें, लड़कियों को अपने जिले में, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके जिले में सेंटर बनेगा तो पहली बात तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इन केस अगर आपके जिले में सेंटर नहीं बनता तो आपको दोस्तों आपके घर से हो सकता है कि 100-200 किलोमीटर दूर जाना पड़े। एक बात और आपको वीडियो के अंत में बताना चाहेंगे, अगर आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस इस समय समय मत देखिए, कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करिए, 10 से कम में बात नहीं बनेगी। जैसे विज्ञान, हिंदी, इन विषयों में जिन बच्चों की बैक है वो बच्चे हल्के में ले रहे हैं, यार विज्ञान हमारा ऐसे क्लियर हो जाएगा, हिंदी ऐसे हो जाएगा। अगर दोस्तों वो ऐसे ही क्लियर हो जाता तो आप लोग पास हो जाते। अगर आपकी बैक लगी तो आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, बिल्कुल लापरवाही दोस्तों मत करिएगा। लापरवाही क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगर आप लोग इस समय फेल होंगे तो आप नई भर्ती से भी बाहर हो सकते हैं, ठीक है, इस बात का जरा ध्यान रखिए। फेल और पास होना दोस्तों इस समय बेहद जरूरी है, ठीक है, फेल का तो दोस्तों कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, भैया आपको होना है पास, ठीक है, पूरी मेहनत झोंक दीजिए, ताकत झोंक दीजिए। फिलहाल दोस्तों देखिए परीक्षा को लेकर, चतुर्थ सेमेस्टर डेट शीट को लेकर आप लोग ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करें। फिलहाल 27 तारीख से पेपर हो सकता है, लेकिन जो 21 सितंबर की पहले डेट थी तो गाइस क्या वो गलत है, उसकी अपडेट्स हम आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखेंगे। फिलहाल शिक्षक दिवस है गाइस, एंजॉय करिए आप। चरण स्पर्श, हेलो चरण स्पर्श, हाँ बोलिए। फोर्थ सेमेस्टर की अभी एग्जाम डेट कब तक आएगी सर? डेट की अगले हफ्ते सर, वही 21-22-23 को ही होगा एग्जाम सर? सर चरण स्पर्श रजत सिंह बात कर रहे हैं इलाहाबाद से। सर ये एक डेट शीट वायरल हो रही है बच्चों में, ये फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षाएं करा रहे हैं क्या सर ये 21-22-23 को? हाँ कराएंगे सर। शायद जो है जो निदेशक सर से बात हुई से बता रहे थे नवंबर में सर इनका 19-22 का पूर्ण होगा सर, पूर्ण होगा। ऐसा कुछ नहीं सर कि इनका प्रमोट हो गया, 3 महीना कार्यकाल और बढ़ेगा, इनका समय अवधि और बढ़ेगी जो नवंबर में। आप बात किससे नहीं होता है, निदेशक का अनुमोदन है प्रोग्राम पे। तो सर ये परीक्षाएं जो सितंबर में हो रही है 21-22-23 से सर एकदम सही है मतलब डेट शीट? हाँ भाई। अच्छा, और सर ये जूनियर वाला एडेड वाला सर क्या मामला है सर? जो है जूनियर एडेड पहले हमने 10 अक्टूबर भेजा था, फिर शासन ने कहा उस पर कोई निर्णय नहीं ले लिया, हमने जहाँ से शुरू किया था अपने कार्यक्रम वो बीत गया, तो उन्होंने कहा रिवाइज भेजिए, तो 17 अक्टूबर कराने का फिर भेजा है। और सर अभी हाल ही में जो है नवम्बर में फिर से सर जो आप डेट बताए थे 19 दिसंबर का सर, तो सर वो भी नहीं प्रस्तावित हुआ क्या सर टेट का? अभी नहीं। ठीक सर, ये डेट नवंबर मांगा गया क्या सर आपसे? नहीं। अच्छा ठीक सर, प्रणाम।